अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड्स इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ये उन दोस्त भाइयों के लिए है जिनका तीतर पहले साल में सीज़न में अभी नहीं बोला और वो दोस्त परेशान है कि हमारा तीतर क्यों नहीं बोल रहा, एक साल का हो गया या डेढ़ साल का हो गया है। तो वो ये मेरी आज की वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैं उनको कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ अहम बातें बताऊँगा। तो मेरी वीडियो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिनका तीतर पहले साल में नहीं बोल रहा। तो सीज़न जो अभी चला गया है लेकिन जिनके तीतर सीज़न में नहीं बोले, वो मेरी ये वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, जो पहले साल के पट्टे हैं, ये जो नए शौकीन हज़रात दोस्त हैं, उनसे सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, क्योंकि आपका भी तीतर बोलेगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बोलेगा। जिन दोस्तों के पहले साल में तीतर नहीं बोलते, उनको कुछ मसले रह जाते हैं, कुछ तीतर की खुराक के हवाले से होते हैं, कुछ तीतर की केयर के हवाले से होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो सही सीज़न से पहले उनकी तैयारी नहीं करवा सकते, तो वो उनके फिर सीज़न में जा के तीतर नहीं बोलते। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने सब्र से काम लेना है। आपका अगर तीतर नहीं बोला तो आपके पास बेहतरीन मौका है। आप उसको, जैसे कि आपको पता है कि सर्दी शुरू हो गई है, सर्दियों में तीतरों की तैयारी करवाई जाती है, उनको अच्छे अच्छे नुस्खे दिए जाते हैं, तो फिर वो गर्मी में उसका रिज़ल्ट भी आपको देते हैं। तो अगर आपका भी तीतर इस गर्मियों में नहीं बोला तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी उनको अच्छे नुस्खे दें, अच्छी खुराक दें, प्रॉपर उसको टाइम पे मिट्टी वगैरह दें, तो उसका इंशाल्लाह वो मेहनत का आपको रिज़ल्ट जो है ना, वो अगले सीज़न में ज़रूर देगा आपका तीतर। क्योंकि कुछ दोस्तों तीतर होते हैं उधर जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, ये सब खुराक के ऊपर डिपेंड होता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई एक नुस्खा जो है ना अच्छा सा, मेरे चैनल पे भी नुस्खे मस्ती भलाई के लिए मौजूद हैं, अगर आप कोई सा भी नुस्खा दें लेकिन एक नुस्खा आप तीतर को दे के उसका रिज़ल्ट का वेट किया करें। तो आप अगर आपका तीतर नहीं बोला तो आप एक अच्छा सा नुस्खा जो है वो भलाई और मस्ती का देख लें, तो वो आप अपने तीतर को लगाएं, इंशाल्लाह आपका तीतर भी जो है ना उससे आपको भी रिज़ल्ट देगा। दूसरा दोस्तों मसला क्या होता है कि तीतरों की एज जो होती है वो भी पूरी नहीं होती, जो एक साल का पट्टा होता है या डेढ़ साल का, कई दफ़ा तो वो बोल जाता है खुराक के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, सारी बात खुराक की होती है, अच्छी खुराक दी जाए तो तीतर जल्दी बोलने लग जाता है, अगर थोड़ा सा बंदे को पता ना हो तो फिर थोड़ा सा लेट बोलता है। तो अगर दोस्तों आपके तीतर की खुराक भी अच्छी है, अगर आपके तीतर की आप मिट्टी भी उसको प्रॉपर टाइम पे दे रहे हैं, आप उसको खुराक भी सही तरीके से दे रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं, फिर भी आपका तीतर नहीं बोल रहा, तो आप उसके साथ आप क्या करें कि आप उसको तीतर की आवाज़ें सुनाया करें। किसी आपके दोस्त या किसी के पास भी तीतर अगर है तो आप उसके पास सुबह के टाइम लेकर जाया करें, और उसके नज़दीक नहीं रखना, उसके दूर रख के, उससे 15-20 फुट दूर रख के उसकी आवाज़ जो है ना अपने तीतर को सुनवाएँ। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि आप मोबाइल में से तीतर की वॉइस बआसानी मिल सकती है, आप वो कोई अच्छी सी वॉइस निकाल लें और वो अपने तीतर को जो है ना वो डेली सुबह एक घंटा डेढ़ घंटा आप दूर से आवाज़ सुनानी है। ये दोस्तों आपने बात जहन में रखनी है, अगर आप मोबाइल पे सुनाएं या आप अगर किसी तीतर के पास ले जाएं तो उसको बिल्कुल उसके सामने नहीं रखना, उसके दूर से, उसको नज़र ना आए तीतर, सिर्फ उसको आवाज़ आए इतनी दूर से, मोबाइल से भी सुनाना है, और अगर आप किसी तीतर के पास ले जाएँ तो उसके साथ भी आपने यही अमल करना है। ये अमल आप करेंगे तो इससे भी इंशाल्लाह आपका तीतर जो है ना वो जल्दी बोलने लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।